नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आत्मवंदन। यहाँ एक आत्मा दूसरे आत्मा को वंदन कर रहे हैं। हम सब आत्मस्वरूप इस बात को जानते हुए वंदन कर रहे हैं। दोस्तों, ये आत्मस्वरूप इस भौतिक शरीर में क्या कर रहे हैं? इस भौतिक शरीर में तरह तरह की अनुभवों से गुजरते हुए हर दिन 24 घंटे में अप एंड डाउन्स को एक्सपीरियंस करते हुए आज इस सामूहिक में क्यों जुड़े हुए? किस पर्पस के लिए आप यहां हो? माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत सुस्वागत इन्हीं बातों को रिवील करने के लिए, उसी रहस्य को खोलने के लिए ही हम सबको जोड़ रही है एक सुंदर सा चाता अम्ब्रेला, वो ही हमारा पीएमसी हिंदी। आप सभी को अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत की स्थापना की हेतु जन्म लिया हुआ पीएसएसएम, उस पीएसएसएम की तीसरी आंख दिव्य क्षेत्र सभी की दिव्य जागृति के लिए काम कर रही है, उस पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी में स्वागत सुस्वागत। माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर क्रिएटर्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात हम जानने जा रहे हैं और इसमें एक पल के लिए भी आप अपना समय व्यर्थ ना करते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को यहाँ पर बिठा दीजिए इस सामूहिक के साथ जोड़कर, ओपन माइंड के साथ हृदय से सुन लीजिए। दोस्तों, ये हमारा जागृति का दरवाजा खुलने जा रही है आज। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, 12वीं तल की ग्रिड के बारे में बात करते हुए उसकी ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स, तरह तरह की हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस की बारे में बात करते हुए जा रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो बात पूरा पीएसएसएम की रोल दिखाएगी पूरा जगत को, वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आज हम सब इस सामूहिक चेतना के बारे में जानेंगे और इसमें हम कहां पर बैठे हुए हैं उसका भी पूरा जानकारी की जगह जागृति बोलेंगे सही रहेगा, हम अपनी जागृति करेंगे। दोस्तों, यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ये जान लिया एक मूल चेतना से बहुत सारे चेतनाएं यानी स्पिरिट से सोल्स निकलकर स्प्लिट होकर अपनी अपनी रास्ता में आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी वास्तविकता को सृजन करते हुए, रियलिटीज को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरा क्वांटम फील्ड में अपनी अपनी फ्री विल के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो जैसा चाहिए वैसे वो अपनी वास्तविकता को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दे आर गॉड्स। हर एक चेतना, मूल चेतना ही जब अपने आप में परमात्मा है तो परमात्मा से निकला हुआ हर एक आत्मा भी उसी परमात्मा का ही प्रतिबिंब
कोई टुकड़ा नहीं है, वो पूर्ण रूप से है उसके अंदर, वो पूर्ण तत्व उनमें है, बस जागृति की जरूरत है। माय डियर मास्टर्स, जैसा वो चेतनाएं निकला अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वो क्रिएट करते जा रहे थे, क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा बहुत बड़ा क्वांटम फील्ड में बहुत सारे चेतनाएं निकलकर अलग अलग डायमेंशंस को बनाकर अलग अलग डायमेंशंस में अपनी अपनी रियलिटी को क्रिएट करके, वास्तविकता को सृजन करके वो अपना जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे। इतना में उनको पता चल गया एक यूनिक एक्सप्रेशन उनको कॉल कर रही है, बुला रही है। तो इतनी सारे डायमेंशंस में बहुत सारे बीइंग्स, जब वो सब मिलकर एक यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस को पकड़ेंगे, यानी एक यूनिक चेतना को पकड़ेंगे, धीरे धीरे और इजी हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरा सरेंडर होके आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अलग अलग डायमेंशंस में बैठे हुए दोस्त बीइंग्स यदि एक यूनिक चीज, एक ही चीज पे यदि कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वो सब मिलकर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्रिएट करेंगे। अब इसको इजीली समझने के लिए, बहुत सारे डायमेंशंस के अंदर इन्होंने कॉल भेज दिया कि धरती पर ऐसा एक्सपेरिमेंट होने जा रहे, तो वो सब आके पार्टिसिपेट करने लगे। ये बात हम पहले समझ गए। उसके लिए एक और दूसरी बात समझाने की प्रयास करती हूँ। धरती पर बहुत ज्यादा लोअर फ्रीक्वेंसीज राज करने लगे। इस वक्त हम अभी 40 साल से ये धरती पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, अभी एक बार प्रेजेंट मोमेंट में हम आ रहे हैं, आके देखेंगे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मोमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो धरती पर अब युग संधि की समय आने वाला है। अब युग संधि की समय पर सत्य युग की स्थापना होगी, स्वर्ण युग का शुरुआत। तो स्वर्ण युग की शुरुआत के लिए फिफ्थ डायमेंशन या उससे ऊपर स्थिति को, धरती को ऊपर उठाना पड़ेगा। उसको उठाने की इस प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे करके लाइट बीइंग्स को जब बुलाया गए, तो सभी आकर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के सेना बनकर धरती पर उतरकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में पिरामिड मास्टर्स के रूप में आके उतरे। ये सब मास्टर्स अलग अलग डायमेंशंस के हैं। अलग अलग डायमेंशंस की मास्टर्स ने बोला यस, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। धरती पर अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत स्थापना के लिए ये हो गया एक यूनिक एक्सप्रेशन। यूनिक एक्सप्रेशन यानी एक सेलेक्ट किया गया है। जैसा हर एक इंसान को, हर एक जीव राशि को हम चेतना बोलते, उसी तरह एंगर, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, लोभ, कंपैशन, करुणा,
कंपैरिजन, कंप्लेंट, ये सब भी चेतना ही है, राइट? अब हम बात करते हैं, इसमें हमारा पीएसएसएम की संकल्प क्या है, अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत। अहिंसा एक चेतना हो गया, शाकाहार एक चेतना हो गया, पिरामिड मैत्री ध्यान ये सब अलग अलग चेतना है। इन पांच चेतनाओं को एक यूनिक एक्सप्रेशन, एक मिशन, एक विजन बनाया गया है। उस विजन की इंटेंट की पल्स को अलग अलग डायमेंशंस में भेज दिया गया है। धरती पर इस वक्त इस काम की जरूरत है, वो का धरती पर हमें पूरा मानवता को जगाने की जरूरत है। उस मानवता को जगाने के लिए सभी को ध्यान सिखाना जरूरत है। इस मिशन के लिए वहां पर हायर बीइंग्स की जरूरत है। कौन कौन आप लोग आ सकते हो? कॉल भेज दिया कॉस्मिक गवर्नमेंट ने। तब अलग अलग डायमेंशंस की मास्टर्स, यस, हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे करके उस कॉल को रेस्पॉन्स दिया है। उन सबको पूरा लीड करने के लिए पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी धरती पर आए। अब समझ लीजिए, जितना भी पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी का जो टीम है, वो सारे टीम अलग अलग डायमेंशन से आए, लेकिन उनकी जो एक्सप्रेशन, उनकी जो मिशन, उनकी जो विजन, वो एक ही है, राइट? यह ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है सिक्स्थ डायमेंशन से 10-15 लोग आए होंगे, सेवेंथ डायमेंशन से 20-25 लोग, एट्थ डायमेंशन से 30-40 लोग, नाइन्थ डायमेंशन से 100-150 लोग, टेंथ डायमेंशन से, 11th से, 12th से, 13-14, इस तरह की अलग अलग डायमेंशन से आके हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे करके आए। लेकिन वो किसी भी डायमेंशन का हो, यहां पर जब एक मिशन के साथ जब ये सब जुड़ रहे हैं, जितने भी इसमें जुड़े उनको बोलते कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। उनकी जो फोकस, उनकी जो मिशन एक हो गया, एक मिशन के साथ जितना जुड़ गए हैं, उन सबको बोलते कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। उनकी पूरा एक ही कलेक्टिव फोकस है। यहां तक क्लियर? अब वो है अलग अलग डायमेंशंस में, वो अपनी डायमेंशन छोड़ के आया नहीं, इसलिए बोल रही हूं आज पूरा पीएसएसएम का भी और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में स्थित सारे पिरामिड मास्टर्स की राज एक लेवल तक खुल सकती है, उसमें आप अपने आप को भी समझ सकते हो। तो उस हायर डायमेंशंस की बीइंग्स इस पार्टिसिपेशन के लिए अपने कुछ परसेंटेज चेतना को यहां पर लेकर आए हैं। वो परसेंटेज उतारा गए हैं, वो अपने आप को फिजिकल बॉडी में अपीयर करने के लिए इंटेंट डाल दिया, एनर्जी क्रिएट किया यहां पर। तो जो फिजिकल बॉडी में आना चाह रहे हैं, वो फिजिकल बॉडी में है, नॉन फिजिकल लेवल पर भी कुछ है। अब हम आते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के पास। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन गया, इसमें
तरह तरह की डायमेंशन की मास्टर्स आए, ठीक है। तो इसमें जैसा अलग अलग डायमेंशन की जो आया मान के चलिए, वो सब इकट्ठा होकर हजार हो गया मान के चलो। ये हजारों में से इस कलेक्टिव में रहते हुए भी वो कौन सा डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं ये भी मायने रखती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने के प्रयास करती हूं। एक कपड़े की दुकान एग्जाम्पल, कपड़े की दुकान में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 स्टाफ मान के चलिए। उन 10 स्टाफ का कलेक्टिव फोकस यानी उनके जो मिशन क्या है, उनका काम क्या है, उस दुकान के कपड़े बेचना है, राइट। तो उसमें वहां कितने लोग हैं, 10। 10 में से यदि 4 लोग खुश रह रहे हैं, जॉयफुल रहते हैं, ये चारों जितना सैलरी मिल रहे हैं उतना हैप्पी, वो यूनिवर्सल गिफ्ट समझ के जॉयफुल रहते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सब भी वो खुद प्यार में रहते हुए दूसरे को प्यार देते हुए फुल डे जॉयफुल्ली यदि आत्मस्थिति में रह रहे हो, कितने लोग, 4 लोग 10 में से। अब कितना बचे, 6। 6 में से यदि 3 लोग, हाँ ठीक है जो मिल रहे हैं वो ठीक है, एक डिससेटिस्फैक्शन, खुश नहीं है, जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ नियति है, हमारा नसीब ऐसा ही है, इस तरह एक लेजीनेस, मेहनत नहीं करना चाहते, खुद से कोई प्रयास नहीं करना चाह रहे, एक्सेप्टेंसी की लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे ठीक ठीक करके ये 3 रह रहे। अब बचा कितना है, 3। ये 3 हमेशा गुस्सा, रिवेंज, कंपैरिजन, अरे उनको ज्यादा मिल रहे हैं मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनको छुट्टियां ज्यादा मिल रहे हैं मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसको ज्यादा प्रेम करते हैं हमें क्यों नहीं करते, ये वो कंप्लेंट्स, गुस्सा, रिवेंज, कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रह रहे हो। 3 टोटल कितना है, 10। 10 में से 4 जॉयफुल, खुश, एक्सेप्टेंसी, फॉरगिवनेस में रहने वाला, ये 4 जो है वो कौन सा डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं, 5th डायमेंशनल फील्ड को। जो ये जो 3 है ठीक ठाक है, बस ना बहुत ज्यादा रिवेंज गुस्से में है, ना एक्सेप्टेंसी जॉयफुल में है, ना इधर है ना उधर है, मान के चलिए आप 4th डायमेंशनल फील्ड में ये 3 रह रहे हैं। फुल डे वो अपनी एक्सप्रेशन यानी अपनी कनेक्शन मैक्सिमम 4th डायमेंशनल को एक्सेस कर रहे हैं। अब बचा ये जो 3 है, ये गुस्से, रिवेंज, कंपैरिजन, पूरा ड्यूअलिटी से भरा हुआ 3rd डायमेंशन में है। 10 में से 4 5 डायमेंशन में, 3 4th डायमेंशन में, 3 3rd डायमेंशन में। ये 10 की 10 एक ही दुकान में बैठे हैं और 3 अलग अलग डायमेंशंस को एक्सेस कर रहे हैं वो लोग फुल डे। यहां तक क्लियर, यस। अब वैसा ही ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जुड़े हुए अलग अलग डायमेंशन से आया हुआ मास्टर्स, इसी तरह वो अपने अपने स्थिति के अनुसार तरह तरह की चेतनाओं को
अनुभव कर रहे हैं, डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहां तक क्लियर? तो यस, एक ही मिशन, एक ही विजन, एक यूनिक एक्सप्रेशन को पकड़ के उसके साथ जुड़े रहते हैं उनको हमने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोल दिया। और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जुड़ने के बाद भी वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज को वो होल्ड करके रखे हुए हैं। वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अब बोला मैंने जैसा फिफ्थ फोर्थ एंड थर्ड तीन डायमेंशनल फील्ड में तरह तरह की फ्रीक्वेंसीज में रह रहे हैं। ये तरह तरह की फ्रीक्वेंसीज क्यों बोल रही हूं, वापस ध्यान से सुनिएगा, फिर वापस वहीं आते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल में सरल भाषा में समझते, ये जो चार है जो फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं, वो क्या क्या चेतनाओं को उतार रहे हैं? प्यार, कंपैशन, करुणा, यूनिटी, एकता, प्रोटेक्शन, सुरक्षा भाव, मतलब हमेशा वो सेफ फील करेंगे, कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, तो इस तरह के एक दूसरे के सपोर्ट, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव, सिक्योरिटी फीलिंग, ये सब चेतनाओं को वो लोग फुल डे एक्सेस कर रहे हैं, राइट? जब ये चारों इनको एक्सेस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उसी दुकान में बैठे हुए ये तीनों क्या एक्सेस कर रहे हैं? डिससेटिस्फैक्शन, लेजीनेस, डिपेंडेंसी, इस तरह की कुछ चेतनाओं को ये लोग एक्सेस कर रहे हैं। इन सात लोगों के साथ साथ ये तीन भी तो एक्सेस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये भी और चीजों को उतार रहे हैं। वो क्या है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन, रिवेंज, फियर, ये बहुत सारे चीजों को ये भी एक्सेस कर रहे हैं। इसका मतलब उस दुकान में, उस शॉप में एक ही साथ कितनी सारे चेतनाएं उतर रहे हैं उसी सिंगल मोमेंट में, उसी नाउ प्रेजेंट मोमेंट में एक साथ ये 10 लोग अलग अलग चीजों को उतार रहे हैं वहां पर। यहां तक क्लियर? अब समझ लीजिए, जो भी उतार रहे हैं वहां परोसा जा रहा है। ये चार, ये तीन जो भी उतार रहे हैं वहां पर, मान के चलिए एक कटोरी गुस्सा वाला है तो एक कटोरी प्यार वाला है, एक कटोरी लेजीनेस वाले, सारे वहां पर बिछाया जा रहा है। अब इसमें से जो भी वहां पर उतर गया है वो सब इन 10 को इफेक्ट कर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, ये जो चार उतार रहे हैं, ये फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी को उतारने के बाद भी इन चारों के ऊपर ये 6 जो उतार रहे हैं, इसकी असर भी इन पे पड़ रही है। और इन चार की असर इन पे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन किसकी परसेंटेज ज्यादा है वो मायने रखेगी। ये चार प्रेम को उतार रहे हैं और
ये तीन मीडियम में है, ये तीन बहुत ज्यादा ड्यूअलिटी को उतार रहे हैं। जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वो डायमेंशनल फील्ड में वो ज्यादा दिखने लगेगा, उसी की अकॉर्डिंगली वो डायमेंशनल फील्ड पूरा प्रभाव होगी। यदि अब इस 10 में से ये जो 4 है प्रेम को उतार रहे हैं फुल डे, उसमें कहीं ना कहीं ये जो 3 उतारने वाला जो एंगर जा रही है, फ्रस्ट्रेशन जा रही है, कंपैरिजन जा रही है, तो 5th डायमेंशनल में रहते हुए भी 90% प्यार में रह के 10% अरे ये गुस्सा कंपैरिजन कहाँ से आ रहे करके अवेयरनेस में रहते हुए, एक तो इनको उसी लेवल पर रहना एक चैलेंजिंग बन जाती है, राइट? बन के चैलेंजिंग बनने के बाद भी नहीं मुझे इसी में रहना है करके यदि अवेयर रहेंगे तो ये बढ़ता भी जाएगा। ये फुल डे उसी में रहते हुए यदि परसेंटेज बढ़ाएंगे तो बल्कि इन्हीं का प्यार इनको इफेक्ट करके इनकी फ्रस्ट्रेशन, लेजीनेस, गुस्सा, कंपैरिजन इनको थोड़ा न्यूट्रल करके इनको भी प्यार और कंपैशन में ला सकते हैं ये चारों, ताकि इसकी परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। जहां पर ये परसेंटेज बढ़ जाती है वहां पर फिर इन सब को धीरे धीरे, एकदम से इंस्टेंटली सब कुछ नहीं होगा, इन धीरे धीरे ये पूरा चेतना बदल जाएगा। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे अब धीरे धीरे क्या होगा, पहले 5th डायमेंशन को एक्सेस करने वाला 4 थे, अब धीरे धीरे ये 3 भी इसमें जुड़ गया तो 7 हो गया, यानी ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है बढ़ गया, उसमें एक्सेस 5th डायमेंशन को एक्सेस करने वाला बढ़ गया। तो ऑब्वियसली यहां पर प्यार की प्यार और कंपैशन की जो एनर्जी बढ़ गया इस 10 में ग्रुप में, इन तीनों को परिवर्तन करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर में से धीरे धीरे शांत होकर ये भी प्यार को अपनाने लगेंगे। ये बात समझ लीजिए, यदि 10 की 10 एक ही डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस कर रहे होंगे बहुत इजी हो जाएगा। यदि 10 की 10 5th डायमेंशन एनर्जीज को, यदि प्यार, यूनिटी, कंपैशन, मैत्री भाव, फ्रेंडशिप, है ना, एक दूसरे को कोऑपरेशन, सपोर्ट, फॉरगिवनेस, इन सब के साथ जुड़े रहेंगे, ये पूरा डायमेंशन उसी एनर्जी में नाचने लगेगा। दोस्तों ये ही चल रहा है। अब यहां तक ये बात आपका क्लियर हो गया? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इन्हीं को बोला अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये सारे बेइंग्स एक्सेस कर रहे हैं। वो कलेक्टिव में होने के बावजूद भी, मतलब एक ग्रुप में आने के बावजूद भी, कहने का मतलब अब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में उतरा हुआ मास्टर्स को पता है इसकी जो मूल संकल्प, महोन्नत उद्देश्य क्या है, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत, ये हमारा यूनिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा मिशन है। जानने के बावजूद भी पिरामिड मास्टर्स में से कितने लोग अलग अलग, कोई 3D को एक्सेस कर रहे हैं अभी भी, आपस में कंपैरिजन, जजमेंट्स, है ना,
कंप्लेंट्स, इंटरफेरेंस, एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेरेंस, मेरा तेरा, एक दूसरे की इंटरफेरेंस, मेरा तेरा, ये सब जो चल रहे हैं। यानी पिरामिड मास्टर्स में कुछ लोग थर्ड डायमेंशन को एक्सेस कर रहे हैं और वहां से थोड़ा ऊपर उठने के बाद फोर्थ, यस हाँ ठीक ठाक है, चल रहे हैं और अच्छा होने वाला है, उसके लिए क्या प्रयास करने अभी उनको नहीं पता। चलो ये सब कर रहे हैं तो मैं देखती रहूंगी, कुछ तो अच्छा दिन आने वाले हैं, इस तरह की, हाँ वो कर रहे हैं तो हम देखते रहेंगे, फोर्थ डायमेंशन को एक्सेस कर रहे हैं। और दूसरा, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं हमारा PSSM में कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और इधर से उधर से थर्ड और फोर्थ डायमेंशन के मास्टर्स की बातें, वाइब्रेशन, एनर्जी की असर आने के बावजूद भी वो अपने भल पर खड़े होकर, अपने रियलाइजेशन के ऊपर खड़े होकर, मैं जानती हूं मैं कौन हूं, उनको कहने दो, अभी उनके ऊपर असर है ड्यूएलिटी का, कम मैं तो बाहर आ गई उस ड्यूएलिटी से, तो कम से कम मैं तो खड़ी हो जाऊं इस एकता में, ऐसा सोचकर फिफ्थ डायमेंशन की एनर्जीज को एक्सेस करते हुए सुबह से शाम तक निस्वार्थ भाव से ध्यान सिखाते हुए, ज्ञान बांटते हुए, ध्यान प्रचार करते हुए, पिरामिड्स बनाते हुए, कंट्रीब्यूट करते हुए, अपने समय की कंट्रीब्यूशन, अपने ज्ञान का कंट्रीब्यूशन, मनी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करते हुए फिफ्थ डायमेंशन को एक्सेस करने वाले बहुत सारे मास्टर्स है यहाँ पर। सिक्स्थ डायमेंशनल एनर्जीज को एक्सेस करने वाला भी बहुत सारे मास्टर्स है। सेवेंथ डायमेंशनल, एट्थ डायमेंशनल, नाइन्थ डायमेंशनल, टेंथ डायमेंशनल लाइट को उतारने वाले मास्टर्स अपनी PSSM में है। कहीं लोग आपको ना स्क्रीन पे दिखेंगे, 24 घंटे अपने घरों में बैठ के ध्यान करते हुए पूरा दिन उनका यही इंटेंशन रहता है, ये पूरा जगत में हर एक मानव जाग जाए, वो अपनी आत्मस्थिति के प्रति जागृत हो जाए और परमात्मा तत्व में वो अपने गुलामी से बाहर आकर अपनी परमात्मा तत्व को एक्सेस करते हुए परमानंद में जिए करके 24 घंटे इसी इंटेंशन के साथ ध्यान करने वाले मास्टर भी है। तो इतनी सारे तरह तरह की एनर्जीज को एक्सेस करते हुए इस ग्रुप में बैठे हुए हैं। इसमें जितना परसेंटेज आप हायर स्थिति को उतारते जाएंगे, उतना जल्दी हम इस धरती पर मानवता को बदल सकते हैं दोस्तों। यानी इस ग्रुप में से मैक्सिमम लोग इस मूल संकल्प के साथ जुड़कर एक एक कदम डालेंगे, यानी उनकी जो परसेंटेज यहां पर ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, और भी चेतनाओं को वो एक्सेस कर रहे हैं। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के में जुड़ने के बावजूद भी, पिरामिड मास्टर होने के बावजूद भी, कभी सैलरीज के पीछे, जॉब्स के पीछे, फैमिली की अटैचमेंट्स के पीछे, है ना, इमोशनल प्यार के पीछे, फियर के पीछे, बंधनों के पीछे भाग रहे हैं। तरह तरह की वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से मुक्त
मुक्ति पाकर जल्दी जागृत होकर वो अपनी हायर डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो विजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो उद्देश्य मिशन जल्दी मैनिफेस्ट होगा दोस्तों। तो ये जो युग परिवर्तन, युग संधि के ऊपर इसलिए हम यहां पर है, कोई कल की भगवान आएंगे, कोई ये भगवान आएंगे, कोई वो भगवान आएंगे, इसको पूरा कलयुग को खत्म करके सत्ययुग की स्थापना करेंगे? नो, ये सिर्फ एक शब्द जो आप सुन रहे हो, मल्टी डायमेंशनलिटी का एक लीनियर शब्द को आप सुन रहे हो, वो कल की भगवान कोई और नहीं, एक जागृत आत्मा, एनलाइटेंड मास्टर्स। वो कौन है? हम पहचान ले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर होने के बावजूद मैं ही क्यों इस PSSM की PMC को देख रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, ध्यान प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए ये तड़प क्यों उठती है मेरे अंदर? ध्यान की ओर, ज्ञान की ओर ये आकर्षण क्यों बनी हुई है मेरे अंदर? बिना कारण की तो कुछ नहीं होती, ये कारण क्या है? तो यस माय डियर मास्टर्स, कारण वो ही है, यू आर द पार्ट ऑफ दिस मिशन, यू आर इन दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरने के बावजूद भी आप जो दूसरी फ्रीक्वेंसीज के साथ लिंक है, तो ये अटैचमेंट्स, ये भय, मेरा तेरा, सेल्फिशनेस, कंपैरिजन, जजमेंट्स, उन सब से मुक्ति पाकर आप अपनी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस में जितना परसेंटेज आप रहना शुरू करेंगे, उतना परसेंटेज आप धरती को उन चेतनाओं को तोहफा में दे देंगे, और हम सब मिलके ही उस स्वर्ण युग का स्थापना करेंगे दोस्तों। जो स्वर्ण युग की स्थापना है तो सृजन कर रहे हैं यहाँ पर, वो ही सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता कोई एक नहीं है, हाँ ये पूरा सृष्टि को सृजन किया हुआ एक ही है परमात्मा, वो एक हजारों में, लाखों में, करोड़ों में है। पूरा ब्रह्मांड एक ही बॉडी जैसा है, पूरा यूनिवर्स वो एक ही बॉडी जैसा है। एक बॉडी में होने के बाद भी वो उंगली में भी है, आंख में भी है, लिवर किडनी में भी है, पैरों में भी है। वैसा ही ये सृष्टिकर्ता पूरा सृष्टि में एक ही है, होने के बावजूद भी मेरे में भी है, आप में भी है। इस सृष्टिकर्ता को जागना होगा, जागृति वाला प्रकाश को धरती पर उतारना होगा, उतारते हुए इस प्रकाश के द्वारा चारों ओर फैला हुआ अंधेरा को मिटाना होगा, अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत की स्थापना करना होगा। इसी उद्देश्य के लिए उतरी है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। दोस्तों, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर इस सामूहिक
चेतना के साथ एक होकर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के संपूर्ण चेतना को हृदय से आह्वान करते पूरा कॉस्मोस को चलाने वाली धर्म देवता कॉस्मिक गवर्नमेंट की संपूर्ण चेतना को आह्वान करते धरती को बचाकर उन्नत तल पर ले जाने के लिए हजारों सालों से महान तपस्वियों का इंतजार शंबाला के संपूर्ण चेतना को आह्वान करते ये संपूर्ण चेतना हमारे सामूहिक के साथ जुड़ गई है दोस्तों। आप अपनी भौतिक शरीर में होने के बावजूद भी अपनी पूर्ण स्थिति को महसूस करते हुए इस चेतना शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। सुखासन में बैठकर पैर के तलवों से लेकर सिर तक पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए हरेक सांस के साथ जुड़ते हुए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के जो मूल उद्देश्य है यूनिक एक्सप्रेशन मिशन एंड विजन ध्यान जगत इस जगत में हरेक ध्यानी बन जाए इस जगत में हरेक एक शाकाहारी बन जाए अहिंसा को अपनाए पिरामिड की महत्व समझते हुए पिरामिड को हरेक घर में उतार दे सभी इमोशंस की बंधनों से मुक्ति पाकर रिलेशनशिप्स के पिंजरों से बाहर आकर फ्रेंडशिप स्नेह मैत्री भाव के साथ जुड़कर मैत्री जगत की स्थापना इस उद्देश्य के लिए उतरे हुए हे महोन्नत आत्माएं आपको मेरा नमन
इतना ग्रेट संकल्प के लिए जुड़े हुए हे महोन्नत आत्माएं, आपको प्रणाम। शांति से अपने हरेक सांस को उतना ही पवित्र भाव से, उतना ही प्रेम और करुणा से अपनाते जाइएगा। इस भौतिक शरीर में रहते हुए आप जो सांस से ले रहे हो, उनकी एक एक सांस की महत्व समझ लीजिएगा दोस्तों। आपके हरेक सांस हर पल कुछ ना कुछ इस धरती पर उतार रही है। क्या देना चाहते हो आप? क्या देने के लिए आप धरती पर बैठे हुए हैं? क्या उतारने के लिए आप ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भाग बने हुए? इस युग संधि पर, इस एवोल्यूशन के समय पर महोन्नत परिवर्तन के समय पर आप धरती को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो दोस्तों? लोअर फ्रीक्वेंसी वाला, थर्ड डायमेंशन वाला ड्यूएलिटी दुख से भरी हुई, स्वार्थ, कंपैरिशन, भय, पीड़ा या हायर चेतना स्थिति का प्रेम, करुणा, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, सुरक्षा भाव, फॉरगिवनेस, यूनिटी, एकता, क्षमा गुण, शांति, क्या देना चाह रहे हो आप? मालिक हो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब हो आप। आप जो चाहेंगे वो ही उतार सकते हो, आपका इच्छा शक्ति है। आप भगवान हो, आप सृष्टिकर्ता हो। जिस स्थिति में आप रहेंगे वो ही स्थिति धरती पर उतरेगा आपके द्वारा। आप उसका चैनल बन गए। शंकाएं, यदि आप डाउट कर रहे हो,
शंका, डाउट, सेल्फ जजमेंट जो आप इस वक्त फील कर रहे हो, वो ही उतर रही है धरती पर। अवेयर हो जाइए, सिर्फ इस वक्त नहीं, पूरा 24 घंटे, हर पल जिस स्थिति में आप रहते हो, वो ही आप तोहफे में धरती को दे रहे हो। हर दिन, हर समय पर, हर परिस्थिति में आपको ये पता होना चाहिए, मैं क्या फील कर रहा हूं। जिस स्थिति में मैं हूं, मैं वो ही दे रहा हूं इस धरती को, क्या ये ही देने आया हूं, फिर क्यों दे रहा हूं। अवेयरनेस के साथ आप अपनी चेतना को शिफ्ट कर सकते हो। जब जब आपके अंदर गुस्सा उतर जाती है, अवेयर हो जाओगे, दो कदम पीछे डाल के अपने आप से प्रश्न करो, जलसी उठ रही है, कंपैरिजन आ रही है, दो कदम पीछे डाल के अपने आप से प्रश्न करो, क्या ये देने के लिए बैठा हूं इस युग संधि पर, इस PSSM की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जुड़ के मैं, मेरी तरफ से ये जो कंट्रीब्यूशन है, क्या हमारा मिशन को, मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहकार बन रही है या बाधा बन रही है। प्रश्न, आप सृष्टिकर्ता हो, हम वास्तविकता को सृजन कर रहे हैं यहां पर, हमें जागृत अवस्था में रहते हुए प्रश्न करना होगा, यदि आप इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की हिस्सा ही नहीं होते तो आप ना यहां रहते, इस ग्रुप के साथ नहीं जुड़ते, ना ही PSSM की शब्द आपके कान तक आते, ना ही PMC के साथ आपकी कनेक्शन बनते। यदि आप यहाँ हो, इसका मतलब इस मिशन के साथ हजारों सालों से इस धरती पर बहुत सारे जन्म लेते हुए, यात्रा करते हुए इस युग संधि पर दोबारा अपनी सोल फैमिली को ढूंढते हुए, अपने खुद के घोंसला में पहुंच गया। अब इस सामूहिक में महोन्नत आत्माओं की चेतना शक्ति है, सत्यलोक का, तपोलोक का।
का, महालोक का, स्वर्ग लो, भोर लो, भूलो। अब इस सामूहिक में फिजिकल मास्टर्स भी है, नॉन फिजिकल मास्टर्स भी है। अब इस सामूहिक में हायर उन्नत तल की चेतनाएं हैं। आप डिसाइड करो, आपकी हरेक सांस आपकी डिसीशन को भीतर लेकर जा रही है, यानी आपकी हरेक इंटेंशन, डिसीशन, संकल्प उस उन्नत तल की चेतना की प्रकाश को धरती पर उतार रही है। स्वर्ण युग यानी प्रेम और करुणा से हरेक जीवी एक दूसरे के हृदय से जुड़कर रहने वाला युग, हृदय से रहने वाला लोक युग, उस स्वर्ण युग की स्थापना के लिए आपको भी हृदय में उतरना होगा। प्रेम और करुणा को उतारना होगा, उसके लिए तैयार हो। कितनी देर, जब तक ये ध्यान चलेगा सिर्फ तब तक, ध्यान के बाद भी 24 घंटे, हर पल, हर दिन, पूरा जिंदगी भर, क्या डिसीशन है आपका? एकता में रहना है, उसी एकता की प्रकाश को उतारना है। ड्यूअलिटी में रहना है, ड्यूअलिटी को उतारना है। इस वक्त आप कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों को एक्सेस कर रहे हो। इस वक्त आपके मेंटल बॉडी का तीनों स्थितियां चेतना, अवचेतना, अचेतना, सारे स्थितियां एक दूसरे के बगल में आके एक ही कॉइन की तरह दिख रहे हैं। आप तीनों को एक साथ एक्सेस कर रहे हो। इस पल में आप जागृत तीनों लेवल पर है। ये सभी को संभव नहीं है, लेकिन इस वक्त इस सामूहिक में जुड़े हुए मास्टर्स को संभव हो गया। आपके हरेक डिसीशन, आपके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की स्थितियों को बदलते हुए वहां तक उन्नत तल की चेतनाओं की प्रकाश पहुंचते हुए
इस सामूहिक में हर एक मास्टर के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड्स उस प्रकाश से भरते हुए कलेक्टिव सबकॉन्शियस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड्स कलेक्टिव सबकॉन्शियस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड्स में ट्रांसफॉर्मेशन प्रेम करुणा का बीज एकता का बीज उस बीज में पूरा प्रकाश खेती बाड़ी के लिए जो खेत तैयार है उसमें बीज जैसा डल रहे हैं उसी तरह साफ हो गया है जो कचड़ा था ड्यूएलिटी का भरा हुआ फियर्स भय पीड़ा दुख ईर्ष्या ये सारे कचड़ा था सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में कंपैरिजन सेल्फ जजमेंट्स कंप्लेंट्स गुस्सा फ्रस्ट्रेशन ये पूरा साफ जैसा किसी ने झाड़ू लगाया हो पूरा के एकदम क्लीन पूरा फील्ड मैदान शांति से दिख रहा है साफ हो रहा है और गहराई में छुपा हुआ परतों में छुपा हुआ चीज भी साफ पिघल पिघल कर बाहर आके निकलते जा रहे हैं अब वो छुप नहीं सकते हैं जैसा जमीन के अंदर गहराई में कांटे वाला पौधा हो वो भी जड़ के साथ निकल कर साफ होते जा रहा है गहराई में पत्थर बाहर निकल कर साफ होते जा रहे पूरा मैदान साफ होते जा रहे हैं जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करते जाइएगा
किसी किसी को शांति की महसूस हो रहा है, किसी किसी को तूफान महसूस हो रहा है, बाढ़ आई हो, सुनामी आई हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट। एकदम ठीक हो रहा है। सफाई होते वक्त तरह तरह के अनुभव हो सकता है, उसको आप दोबारा डाउट ना करें, जज ना करें। हर तरह की शंकाओं को छोड़कर जो भी हो रहा है उसको होने दीजिएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड क्लीन होते हुए इतना बड़ा काम होते हुए बहुत बड़े बड़ा अनुभव हो सकता है, ये भी लग रहा होगा। फट जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, मैं अपने अस्तित्व को खो जाऊंगी, जब माइंड, लिमिटेड माइंड को गलना पड़ता है, वो गलना नहीं चाहती, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बार बार आपको डराने की प्रयास करेगी, इसलिए शंकाओं को छोड़ती रहेगी बार बार। अवेयरनेस के साथ जिस चीज को आप पकड़ के रखे हैं उसको छोड़ दीजिए। गलने दीजिए उस माइंड को, लिमिटेड माइंड को। जब आप छोड़ेंगे तब भी वो संभव होगा। जब तक भय है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, इंडिविजुअलिटी को बचाने के लिए, तब तक आप अपने परमात्मा तत्व को जी नहीं पाओगे। मानव स्थिति का बंधनों को छोड़ना नहीं चाहोगे तब तक अपनी भगवत्ता को अपने भीतर उतार नहीं पाओगे। आपके सबकॉन्शियस
अनकॉन्शियस। उन्नत तल की चेतना की प्रकाश से भर गई है। उस प्रकाश को देखिएगा अपनी भीतर। वो प्रकाश ऊपर की ओर उठते हुए आपकी चेतना स्थिति कॉन्शियस माइंड लेवल पर पहुंच रही है। वो प्रकाश चारों ओर फूल की पेटल्स के रूप में विस्तार होते हुए इस सामूहिक में जुड़े हुए एक दूसरे के सब कॉन्शियस कलेक्टिव सब कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हुए आपके अनकॉन्शियस इस सामूहिक में सभी की अनकॉन्शियसनेस स्टेट के साथ जुड़ते हुए सभी की सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दिव्य स्त्री तत्व की प्रकाश से भर गई है। प्रेम करुणा एकता सुरक्षा कोऑपरेशन सहकार भाव क्षमा गुण सरेंडरेंसी स्वीकार भाव सामूहिक में स्थित सभी के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सुंदर सा प्रकाश से भर गई है। इस सामूहिक में स्थित हरेक मास्टर अपने कॉन्शियस लेवल पर इस प्रकाश को उतार पा रहे हैं, यानी आपकी भीतर से ये प्रकाश ऊपर की ओर उठते हुए अपनी चेतना स्थिति में उस प्रकाश को अनुभव करते हुए हर दिन अपने भौतिक जीवन में जहां पर भी आप जाएंगे हरेक कदम में हरेक एक्शन में हरेक शब्द में हरेक भाव में हर एक विचार के द्वारा इस प्रकाश को इस फिजिकल वर्ल्ड में उतारते जाएंगे। आप इस फिजिकल भौतिक प्रपंच के फिजिकल वर्ल्ड के
धरती की स्थिति को बदलते जाएंगे आप। आपकी आंखें जहां पर दृष्टि को प्रसरित करते जाएंगे, आपकी नजर जहां पर पड़ेगा वहां पर दिव्य स्त्री तत्व की प्रकाश का ही झलक होगी। जिस चीज को आप टच करेंगे आप वहां पर दिव्य स्त्री तत्व की प्रकाश को ही प्रसरित करेंगे। आपके मुस्कुराहट आपके ऑरा से निकलते हुए हरेक तरंग इस प्रकाश को ही प्रसरित करते जाएंगे हर पल। आपके चारों ओर खुला हुआ पेटल्स इस सामूहिक में हर एक मास्टर के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के साथ जैसा जुड़े, इस फूल की नीचे वाली पेटल्स नीचे की और इस प्रकाश को भेजते हुए ये पेटल्स धरती की अंदर तक इस प्रकाश को भेज रहे हैं। धरती की बहुत सारे लेयर्स की अंदर तक ये प्रकाश नीचे की ओर घुसते जा रहे हैं। इस धरती की सारे परतों के अंदर प्रेम करुणा भरी हुई दिव्य स्त्री तत्व के प्रकाश पहुंचते जा रही है। ऊपर की पेटल्स हर दिन आपके जीवन के साथ जुड़े हुए, साइड का पेटल्स धरती पर चारों ओर जीने वाले हरेक मानव के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को परिवर्तन करने में काम में लगे हुए। नीचे वाली पेटल्स धरती की कोर तक जाकर कोर में परिवर्तन के कारण बन रहे। खिला हुआ दिव्य पुष्प हो आप, खिला हुआ कल्कि अवतार हो आप, यानी सृष्टिकर्ता हो आप। अपनी भगवत को पूर्ण रूप से प्रसरित करने वाली दिव्य ब्रह्म कमल हो आप। जिस ब्रह्म ज्ञान को अपनी भीतर उतार कर
इस ब्रह्म तत्व को चारों ओर प्रसरित करने वाली ब्रह्माओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। अब हम 3 मिनट और इन शब्दों को सुन पाएंगे। इसी स्थिति में ध्यान में बैठे रहिएगा जितने घंटों तक बैठना चाहते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बनके बैठिएगा। अहम् ब्रह्मास्मि। अहम् ब्रह्मास्मि। अहम् ब्रह्मास्मि। जिनको सो जाना है इसी स्थिति पे सो जाए। बाहर ना ही आया तो अच्छा है, फिर भी आपको बाहर आना ही है। अपने भौतिक शरीर को महसूस करना होगा। हे ब्रह्मा, सिर से लेके पैर के तलवों तक अपने भौतिक शरीर को महसूस करना होगा। हे सृष्टिकर्ता, पहचान लो आप कौन है। हर तरह की दुविधा से मुक्त हो जाओ। सिर से लेके पैर की तलवों तक भौतिक शरीर में धीरे धीरे पहचानते हुए वापस आ जाओ। जब आपको हथेलियों का पता चल रहा हो, शरीर का पता चल गया हो, तब आप अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइएगा। पांच, छ,
चार तीन दो एक शून्य। हे सृष्टिकर्ता, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ खिला हुआ कली ब्लॉसम फ्लावर अनंत प्रकाश को चारों ओर प्रसरित करने वाले दिव्य पुष्प की तरह सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए दोस्तों। मुबारक हो मेरा दोस्तों अपने आप को पहचानने के इस पल में आप जुड़े हुए, मुबारक हो। जीवन की उद्देश्य जागृत होने की इस पल में आप भी प्रेजेंट हो, मुबारक हो। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आप अपनी जगह को पहचानने की जागृति का पल में आप हो, मुबारक हो। पितामह को कोटि कोटि नमन, PSSM को कोटि कोटि नमन, सारे पिरामिड मास्टर्स को नमन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल। शांति। PMC